हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशी सर क्लासेस। फ्रेंड्स, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस टुडे वी कैन नॉट गो लाइव, सो दिस इज़ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस दैट विल बी अपलोडेड सून। आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं ये है 29 जनवरी 2022 को पूछा गया इंग्लिश के मेन्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो 3 फैब को पूछा गया था मेंस का एग्जाम जो हुआ था इंग्लिश का, वो हम ऑलरेडी सॉल्यूशन उसका देख चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे 29 जनवरी 2020 इंग्लिश मेंस से, वो होगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। सो इसमें जितने रूल्स होते हैं हम वो रूल्स भी कवर करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपना पेन और पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको देखने को और जानने को मिलेंगे, और उसी आधार पर आप अपने अपकमिंग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप भी साथ में आंसर करिए, आप जानते हैं कि मैं आपके सारे आंसर्स को देखता हूं, सो इसीलिए आप आंसर करिए, मैं उसको ज़रूर इवेल्युएट करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। पहला सेंटेंस है हमारा, द वर्कर्स डैश अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज। जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज, यानी कि जो श्रम कानून आया था नया उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध गए होंगे। सो क्या किया होगा, अपोज्ड, रेमोन्स्ट्रेटेड, इम्प्लीकेटेड या डिसेंटेड। डिसेंटेड का मतलब होता है अस्वीकार करना, इम्प्लीकेट का मतलब होता है कोई चीज़ शामिल होना, स्पेशली इन बैड वे। अपोज्ड का मतलब होता है अपोज्ड करना, लेकिन यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे होंगे अगेंस्ट। अगेंस्ट जो होता है प्रीपोजिशन, वो आता है आपका रेमोन्स्ट्रेटेड के बाद। रेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट का मतलब होता है कि अपना विरोध प्रदर्शन दिखाना। सो रेमोन्स्ट्रेटेड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज डैश एट हिज ब्रदर्स रिफ्यूजल टू हेल्प हिम फाइनेंशियली, यानी कि ही वॉज, वो कुछ हो गया था, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पैसिव वॉइस शो कर रहा है ये। कब, जब उसके भाई ने मना किया उसको फाइनेंशियली हेल्प करने से, जब उसके भाई ने उसको मना किया फाइनेंशियली हेल्प करने से, वो क्या हो गया होगा, इंचेंटेड मतलब मंत्र मुग्ध, सो ये तो नहीं हुआ होगा। एनामोर्ड मतलब आकर्षित, ये भी नहीं हुआ होगा। इंडिक्टेड मतलब होता है किसी पे चार्ज लगाना, कोई आरोप लगाना, और इंडिजनेंट का मतलब होता है क्रुद्ध, जैसे कि एंग्री हो जाना, और इसके बाद एट लगा हुआ है, बिल्कुल सही होगा, इंडिजनेंट एट हिज ब्रदर्स रिफ्यूजल। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल द वाइस प्रिंसिपल डैश फॉर हिम, यानी जब हमारे जब प्रिंसिपल नहीं थे तो वाइस प्रिंसिपल ने किया, क्या किया होगा, ऑफिशिएट्स, एक्सचेंजेस, डिप्यूट्स, रिप्लेसेस। सो रिप्लेसेस और एक्सचेंज तो आप काट देंगे, रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक को हटाकर दूसरे की जगह रिप्लेस करना, और ऐसा तो नहीं है ना कि प्रिंसिपल को हटा करके वाइस प्रिंसिपल को रिप्लेस किया है। एक्सचेंज भी सेम हो गया, अदला बदली करना, वाइस प्रिंसिपल को लगाओ प्रिंसिपल हटा के, सो एक्सचेंज भी नहीं होगा। डिप्यूट्स का मतलब बेसिकली हो जाता है जैसे किसी की जगह किसी को काम करवाना, और ऑफिशिएट्स का मतलब होता है किसी के जगह पे कार्यभार संभालना। सो लास्ट में प्रीपोजिशन फॉर लगा हुआ है, सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑफिशिएट्स। क्या आंसर है इसका, ऑफिशिएट्स फॉर हिम, उसने उसकी जगह काम किया था। आगे देखिए, द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री, जितना ज़्यादा उसने कोशिश किया था मिस्ट्री को सॉल्व करने का, द मोर डैश ही फेल्ट, यानी कि आप समझ गए इसका सेंस निकल रहा है कि जितना ज़्यादा उसने सॉल्व करने की कोशिश की थी वो उतना ही ज़्यादा उसमें फंसता चला गया। सो द मोर के बाद यहाँ पे आप देखेंगे V2, सब्जेक्ट V2, सो द मोर यहाँ पे भी आपका V2 होना चाहिए, कन्फ्यूजिंग कट जाएगा, कैलोस मतलब होता है कठोर, ये कट जाएगा, हम्बल्ड मतलब होता है जैसे दब्बू टाइप का, दब्बू सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, और परप्लेक्स्ड का मतलब होता है पजल्ड। सो मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहा था उतना ही ज़्यादा पजल्ड हो गया।
सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, हैव यू डैश विद द डिफिकल्टीज यू माइट हैव टू फेस। हैव यू डैश विद द डिफिकल्टीज, क्या तुम उस डिफिकल्टीज से कुछ कर चुके हो जो तुमको आगे फेस करना पड़ सकता है। सो यू हैव पॉन्डर्ड, रैकन्ड, डिस्कस्ड, कंसिडर्ड। कंसिडर्ड, डिस्कस्ड आप वैसे ही काट देंगे, और पॉन्डर्ड के बाद आता है आपका ओवर। पॉन्डर ओवर का मतलब होता है किसी पर विचार करना। रैकन विद इसका राइट आंसर है। मैं आपको रैकन के एक दो सिनोनियम लिख के दिखाता हूँ। रैको का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्यूट करना, जैसे कंप्यूट करते हैं ना, गणना करते हैं, आकलन करते हैं, आप एस्टिमेट भी बोल सकते हैं। सो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप किसी भी फर्दर अपडेट या क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन का रूल जानना चाहते हैं, आंसर पूछना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, आपको लिखना होगा y_English टेलीग्राम पे, मेरा चैनल मिलेगा। आप यहाँ पर आकर के अपनी बात मुझसे कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने अपना फिल इन द ब्लैंक खत्म कर लिया। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अगर आप बात करें तो प्री में 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं, और मेंस में 22 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 22 मार्क्स के होते हैं। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये भी, ग्रामर बेस होता है, आपकी ग्रामर की नॉलेज चेक की जाती है। सो आप देखिए कि क्या आपकी ग्रामर कितनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। सारे क्वेश्चंस के आंसर करिए। चलिए देखते हैं इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर ज़रूर करेंगे। देखिए, दीज शूज आर चीप एज वेल ड्यूरेबल। ये कहना चाहता है कि जो ये जूते हैं वो चीप भी हैं और ड्यूरेबल भी हैं, लेकिन एज वेल नहीं आएगा क्योंकि एज वेल का मतलब होता है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो आपका नो इम्प्रूवमेंट कट गया। नीदर नहीं आएगा, नीदर के बाद चीपर है तो नहीं। वैसे भी नीदर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो सेंस है इसका, ये पॉजिटिव वे में निकल रहा है। और आप कभी भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सॉल्व करते हैं सो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसका कैरेक्टर, इस सेंटेंस का जो कैरेक्टर नेचर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। नेचर मतलब पॉजिटिव है। ये बताना चाहता है कि जो जूता है वो सस्ता भी है, ड्यूरेबल भी है, सो आप नीदर नहीं लगा सकते। मोर के बाद चीपर तो आएगा नहीं। मोर भी कंपेरेटिव डिग्री, चीपर भी कंपेरेटिव डिग्री। बॉथ आएगा, बॉथ का पेयर होता है एंड, ये सही है, बॉथ भी, चीप भी और ड्यूरेबल भी। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से अगर आपकी ग्रामर का जो भी डाउट है उसको क्लियर करिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगला देखिए, इट इज़ टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बींग क्लोज्ड। इट इज़ टाइम फॉर द फैक्ट्री, सो इट इज़ टाइम। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, इसका कहने का मतलब है कि समय हो गया है कि फैक्ट्री को बंद किया जाना चाहिए। सो इसको मैं लिख सकता था, इट इज़ टाइम टू क्लोज द फैक्ट्री। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होता, लेकिन इसने पैसिव वॉइस में ले लिया है, है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। इट इज़ टाइम के फैक्ट्री को बंद किया जाना चाहिए, ये इसने पैसिव में ले लिया है। सो टू क्लोज का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी क्लोज्ड। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में। शुड आएगा नहीं क्योंकि एडवाइस दी नहीं जा रही है। फॉर क्लोजिंग तो आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट गलत हो जाएगा। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बी क्लोज्ड। आगे चलते हैं, अगला है, इज दिस द सेम बुक लाइक अवर टीचर रिकमेंडेड। क्या ये वही बुक है जिसको हमारे टीचर ने रिकमेंड किया था। सो देखिए, सिमिलर तो आएगा नहीं क्योंकि सेम का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, और सिमिलर का मतलब होता है लगभग लगभग सेम। सो अगर किसी बुक की आपको कोई पर्टिकुलर राइटर का मैथ्स का बुक लेने बोला जाएगा सो आप उसी को सेम बोलेंगे ना, सिमिलर तो नहीं बोलेंगे, तो सेम होना चाहिए। सिमिलर आपका कट गया यहाँ से। सेम बुक, हु का कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पे। हु जो होता है वो व्यक्तियों को दिखाने के लिए एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है।
अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक है लाइक और एक है एज। सो जो लाइक होता है ये होता है प्रीपोजिशन, एज जो होता है ये होता है एडवर्ब। और वैसे भी जो लाइक होता है ये मैंने आपको 3 फरवरी को जो हम कर रहे थे उसमें भी बताया था। सिमिलर का मतलब होता है लगभग लगभग, सेम, सेम का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम। लाइक का यूज़ हम करते हैं किसी भी ग्रुप को शो करने के लिए। सो यहाँ पे आएगा एज, एज मतलब जैसा हमारे टीचर ने कहा था। सो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मुझसे आप आकर कह सकते हैं। आगे देखिए, ही डिनाइड इफ ही हैड कॉज द एक्सीडेंट। उसने मना किया था, मना कर दिया, खंडन कर दिया कि भाई जो एक्सीडेंट है वो उसके कारण नहीं हुआ है। सो ही डिनाइड इफ, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके सारे, नॉट टू हैर ये नहीं होगा, ऑफ हैविंग का कोई सेंस नहीं बनता। देखिए या तो इफ आएगा या तो दैट आएगा, राइट। आपने आपने पढ़ा होगा ये रूल शायद कि डाउट हो गया, डिनाइड हो गया, डाउटफुल हो गया, इसके बाद जो आपका आता है कंजक्शन, एज अ कंजक्शन जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं दैट ना कि इफ। सो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, द डोर्स एंड विंडोज विल हैव पेंटेड बाय आफ्टरनून। सो देखिए द डोर और विंडो ने तो पेंट किया नहीं है, डोर और विंडोज को पेंट किया गया है। इसका मतलब जो ये सब जो ये सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस तब होता जब डोर और विंडो ने पेंट किया होता, डोर और विंडो को पेंट किया गया है ये पैसिव वॉइस है। और आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि पैसिव वॉइस में विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि विल हैव बीन यूज होता है। ये एक्टिव वॉइस है ना, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी पैसिव एक्टिव वॉइस है ये। सो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको यहाँ पे बीन लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आगे देखिए, द शॉपकीपर वॉज ऑब्लाइज्ड टू डिस्पेंस टू द सर्विस ऑफ हिज सेल्समैन। डिस्पेंस आपने बहुत आसान है ये आपके लिए करना, क्यों, क्योंकि डिस्पेंस के बाद यहाँ पे लगा हुआ है टू, यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्शन वन में बाय, ऑप्शन सेकेंड में विद और ऑप्शन थर्ड में, फोर्थ में अवे। और आपने पढ़ा होगा ये प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है कि डिस्पेंस के बाद जिस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वो प्रीपोजिशन होता है विद। सो आप बिना कोई पूरा सेंटेंस पढ़े, बिना सेंटेंस का रूल सेंस निकाले, बिना आप कोई ग्रामर चेक किए, सिर्फ आप देख सकते थे कि डिस्पेंस के बाद विद आता है जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द शो फ्लॉप्ड मिजरेबली टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एवरीबडी। मतलब ये कह रहा है कि जो शो है वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। सो हमें यहाँ पे देखिए, टू द अटर, एट एन अटर का तो सेंस नहीं बनेगा, फॉर द अटर, बाय द अटरली, नहीं, टू द अटर इसका सही आंसर है। सो टू द अटर मतलब होता है बिल्कुल, मतलब एक तरीके से डिग्री शो करता है, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा। सो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर हो जाएगा टू द अटर। ये पहले भी मेंस में पूछा जा, ये जो आंसर है एक तरीके से ये पूछा जा चुका है। सो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, आप चाहें तो एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। आगे देखिए, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये मैं हूँ जिसकी वजह से क्या हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस हुआ है। सो अब आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन में, यानी तीनों ऑप्शन में और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज। इट क्या होता है, सूडो सब्जेक्ट होता है, यानी कि फॉल्स सब्जेक्ट। सो इट इज जो होता है ना, ये दिखाता है सामने वाले सब्जेक्ट को, ये सामने वाले सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा होता है, तो इट इज आई। सो जो इसका मेन सब्जेक्ट है, इट इज जिस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो जो मेन सब्जेक्ट होता है वो ये होता है। अब क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे मी का माई, सॉरी मी आई मी
वी आवर हिम आवर नहीं सॉरी अस हिम हर ये क्या होते हैं, ये सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। सो एग्जाम में ये आपको कई बार देखने को मिलेगा कि इट इज़ के बाद मी अस हर इस तरीके से यू ये सारे वर्ड्स लगा के दे देते हैं जो कि गलत होता है आपका। सो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा ऑलवेज। सो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड ये आप दोनों गलत कर देंगे। अब यहाँ पे आपका आई आ गया। सो आंसर या तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा या तो नो इम्प्रूवमेंट। अब देखते हैं आगे हम, यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब एम और यहाँ पे वर्ब देखेंगे इज। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा आना चाहिए? अब आप देखेंगे शुरू में इट इज़ लिखा हुआ है तो क्या इट इज़ की वजह से इज आएगा? देखिए ये जो वर्ब होता है ना ये हमेशा आता है अपने मेन सब्जेक्ट से। मेन सब्जेक्ट क्या है? आई। सो अगर यहाँ पे आई है तो आई के साथ आप इज तो नहीं लगा सकते। अगर ही होता तो इज ज़रूर लगा देते, शी होता तो भी लगा सकते थे, यू होता तो आर लगता, आई के साथ क्या लगता है? एम। सो मतलब ये सही है, इट इज़ आई भी सही है एम भी सही है। सो इसका आंसर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कितने सारे डाउट्स क्लियर हो गए आपके। आई लगा के भी दे देगा, एम लगा के भी दे देगा या इसकी जगह इज लगा के दे देगा, काफ़ी सारी जगह आपको मिस्टेक्स दी जा सकती हैं। सो आप पॉज करके खुद से भी आंसर करिए पेन पेपर पे, अपना सोचिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है और आप उस आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हैं। आगे देखिए, द सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे नॉट रन आउट ऑफ एम्यूनिशन। एम्यूनिशन मतलब होता है गोलाबारी, मतलब हथियार वगैरह। अभी जैसे जो यूक्रेन है, यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है। सो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो थे ज़ेलेंस्की, उनसे जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको वहाँ से निकाल देते हैं वरना पुतिन आपको मरवा देंगे, उन्होंने क्या कहा? आई डोंट नीड राइड, आई नीड एम्यूनेशन। एम्यूनेशन चाहिए मुझे, मुझे गोला बारूद चाहिए, राइड नहीं चाहिए। सो याद रखिएगा एम्यूनेशन का मतलब। और आप लोगों को जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, इनकी करेंसी, कैपिटल, मेन सिटी, नदियाँ, ये पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम में SSC CGL CHSL में पूछा जा सकता है। ओके, बैक टू द मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए द सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड, उन्होंने सरेंडर नहीं किया होता यदि। आप लोगों ने हमारा कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक देखा होगा, हमारी क्लास देखी होगी, उसमें है कि वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। सो यहाँ पे इफ के बाद आपका आता है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इस हिसाब से हैड कहाँ पे है? डिड नहीं, डू नहीं, हैड। हैड नॉट रन, हैड नॉट रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ से शॉर्टेज हो जाना, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, है ना, हैड नॉट रन आउट ऑफ। सो ये आप फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, ही फेल्ट डिजेक्टेड, उसने डिजेक्टेड फेल्ट किया। डिजेक्टेड मतलब होता है अभागा, लेफ्ट आउट, सब मुझे छोड़ के चले गए, या बहुत ज़्यादा करुणा में डूब जाना। ही फेल्ट डिजेक्टेड बट द फीलिंग पास्ड आउट इन ए मिनट, उसको बहुत बुरा लग रहा था, है ना, वो डिजेक्टेड फील कर रहा था, लेकिन अब लेकिन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस दिखा रहा है तो आगे पॉजिटिव सेंस दिखाएगा जैसे ही बट आ गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए अगर बट है तो। बट द फीलिंग, इसका सेंस निकल के आ रहा है कि जो फीलिंग था वो थोड़ी देर में ही ख़त्म हो गया, वो बुरा फीलिंग जो था, जैसे अभी एग्जैक्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुआ। शुरू में वो उन्हें बहुत बुरा लगा लेकिन बाद में उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे क्या आंसर होगा? पास आउट, पास बैक, पास ऑन, पास ऑफ। सो पास ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का गुजर जाना बिना ज्यादा हार्म किए। सो पास ऑफ यहाँ पे राइट आंसर है आपका। OFF याद रखिएगा, सिंगल एफ नहीं, कई बार एग्जाम में सिंगल एफ लगा के भी दे देता है। सो गलत होता है ये। आगे देखिए, अनलेस यू कैरी ए COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन ट्रैवल बाई एयर। देखिए इसका आंसर करिए, मैं देखता हूँ कि कितनों का आंसर सही है, आप भी देखिएगा कितनों का आंसर सही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आप गलत कर सकते हैं। देखिए अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं,
और अंटिल का मतलब भी होता है जब तक नहीं, लेकिन जो अंटिल होता है ये आता है आपका समय सूचक के लिए और अनलेस आता है शर्त सूचक के लिए। सो यहाँ पे ना तो अंटिल आएगा ना तो अनलेस आएगा, इसका राइट आंसर होगा प्रोवाइडेड। क्यों? देखिए अगर यहाँ पे आंसर अंटिल तो होता नहीं क्योंकि समय सूचक नहीं है, शर्त सूचक है। भाई अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी सो आप ट्रैवल नहीं कर सकते एयर से। सो इस अगर अनलेस हम लगाते तो कैसे बनता सेंटेंस? अनलेस यू कैरी ए नेगेटिव रिपोर्ट, जब तक आप एक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे कोविड का, यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते ट्रैवल। अनलेस के साथ कैन नॉट लगता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैन है सो आपका आंसर प्रोवाइडेड आएगा। अंटिल भी कट गया आपका क्योंकि अंटिल के साथ भी कैन नॉट ही आता, सो इसका आंसर आएगा प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है यदि, इसी शर्त पर कि, बशर्ते कि, मतलब इस शर्त पर कि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट हो कोविड-19 का, आप ट्रैवल कर पाएंगे बाय एयर। सो इसका आंसर क्या हो गया? प्रोवाइडेड। क्यों हो गया, कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ, मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी है। अगर कोई डाउट है अभी भी सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। जैसे देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, अनलेस वी आर नॉट श्योर ऑफ। सो अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, लास्ट सेंटेंस में भी नॉट नहीं था, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अनलेस और अनटिल खुद ही नेगेटिव वर्ड है तो यहां पे नॉट नहीं आएगा। सो एक्सपेक्ट इफ वी आर नॉट, अनटिल नॉट अनटिल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, अनलेस वी आर श्योर, जब तक हम श्योर नहीं हो सकते अपने गोल्स का। देखिए वी कैन नॉट अचीव देम, इस रूल को अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रखिए अपना ऐसे ऐसे रूल्स को, पॉइंट करके रखिए, पॉइंट आउट एकदम, ताकि एग्जाम के पहले आपको ढूंढना ना पड़े, नोट्स वगैरह बना के रखिए। आगे देखिए, He was knowing her for a long time before he finally married her. क्या सेंस निकल रहा है इसका? इसका सेंस निकल रहा है कि वह उसको जानता था, वह उसको जानता था, है ना, for a long time, इससे पहले कि उसने उससे finally शादी करी। So इसका answer होगा, had के बाद verb की third form आता है, ये कट गया, has been आपका passive voice है कट गया, या फिर has been knowing जो होता है ना, अच्छा ये फिर भी नहीं आएगा आपका क्योंकि यहाँ पे finally married past में है, ये passive नहीं है, active ही है क्योंकि यहाँ पे V1 ING यानी verb का fourth form है, ये active है लेकिन आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए married past को show कर रहा है, हमें past का चाहिए। past का क्या है? He had known, है ना, he had known, और वैसे भी नो एक ऐसा वर्ड है जिसका नोइंग नहीं बनता, है ना, नोइंग नहीं बनता, जब भी एज वर्ब हम यूज करते हैं नोइंग नहीं बनता, इस वजह से भी आप नोइंग को एलिमिनेट कर सकते थे। ही हैड नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उसको काफी लंबे समय से जानता था, थर्ड इज द राइट आंसर। आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप जिसको आता है वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, जिनको डाउट है वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आगे देखिए, डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टुडे इट्सेल्फ, क्या आएगा? मस्ट आई टू नहीं होगा, मस्ट कट जाएगा, मस्ट आई के बाद टू तो वैसे ही नहीं होता। डू आई मस्ट, देखिए जो नीड है ना, इसका मेन वर्ब है फिनिश, यहाँ पे नीड का जो हम मेन वर्ब की तरह तो यूज कर नहीं सकते, मॉडल वर्ब की तरह करना पड़ेगा। उसके ये फिर इसका मतलब ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर दिया तो मुझे उसके साथ डू लगाने की क्या जरूरत है, मस्ट के साथ डू लगाने की क्या जरूरत है। सिंपल मेरा क्या बचा? नीड आई। नीड आई इज द राइट आंसर। क्लियर है? काफ़ी आसान था ये, और अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। आगे देखिए, द मजिस्ट्रेट एक्विटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेस एंड सेट हिम फ्री। मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उसको छोड़ दिया, मतलब सेट हिम फ्री, जाने दिया। एक्विट ऑफ का मतलब कुछ ना कुछ होगा जाने देने से, तो एक्विट ऑफ का मतलब होता है बरी करना,
एक्विट ऑफ का मतलब क्या होता है, बरी करना। कई बार आपको ओ डबल एफ लगा के दे देता है तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं सिंगल एफ आएगा। एक्विट ऑफ का मतलब होता है बरी करना। सो अब यहाँ पे हम ढूंढते हैं क्या आंसर हो सकता है। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, सो ये तो नहीं होगा क्योंकि बरी कर दिया गया है। एटोन का मतलब होता है पश्चाताप करना, तो एटोन एटोन ये भी नहीं होगा, और एटोन के बाद प्रीपोजिशन आता है फोर। एक्यूज तो होगा नहीं क्योंकि एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज का क्या मतलब होता है, आरोप लगाना, जबकि इसको तो बरी किया गया है। अब क्योंकि बरी किया गया है सो आप एक्यूज्ड यूज नहीं कर सकते। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली वन आंसर, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। आपका आंसर क्या आएगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे हैं जिसमें नो इम्प्रूवमेंट वाला आंसर भी CGL ने दिया है। सो बच्चे क्या सोचते हैं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा नहीं है, थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा ताकि आपको आपको पता चल सके, सारे डाउट्स क्लियर हो सकें आपके। अगला देखिए, नॉट ओनली द वॉकमैन बट ऑल्सो द सुपरवाइजर वॉज सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजियंस। नेग्लिजियंस मतलब होता है लापरवाही। सो लापरवाही के कारण उनको निकाल दिया गया था। सो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का आपने रूल पढ़ा होगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में होता है, और इसका जो वर्ब होता है ये वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सुपरवाइजर। आप देखेंगे यहाँ पे वर्कमैन जो है प्लूरल है, लेकिन जो सुपरवाइजर जो है वो सिंगुलर है। सो आप बताइए कि इसका वर्ब क्या आना चाहिए, इसका वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर आएगा, क्यों, मैंने बताया ना नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये सारे रूल्स हैं, आप लोगों ने ज़रूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं सो रिवाइज कर लीजिएगा इसे। सो क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये प्लूरल, तो अगर ऐसा होता ना कि वर्कमैन लिखा होता बट ऑल्सो के बाद तब प्लूरल आता, लेकिन ऑल्सो के बाद सुपरवाइजर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। सो यहाँ से आप हैव काट देंगे, यहाँ से आप वर काट देंगे, और वॉज आप ये भी काट देंगे। क्यों, क्योंकि वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्होंने दी है सस्पेंड, जबकि ये आपका पैसिव वॉइस में है, जिसका मतलब हुआ कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। तो वॉज सस्पेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। देखिए इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट दे दिया, कितना इम्पॉर्टेंट है ये नो इम्प्रूवमेंट। ये तभी आप कर पाएंगे जब आप अच्छे से रूल्स वगैरह करके जाएंगे, है ना। आगे देखिए, द मैनेजर एज्योर्ड द एम्प्लॉइज दैट नन ऑफ देम विल बी डिसमिस। सो मैनेजर ने दिलासा दिया, एज्योर मतलब जैसे भरोसा देना, द एम्प्लॉइज दैट नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं क्या होगा, डिसमिस। सो विल डिसमिस का मतलब होता है डिसमिस करना, मतलब करेगा, ये एक्टिव वॉइस है। कोई भी डिसमिस नहीं होगा, इसका मतलब पैसिव वॉइस की बात की जा रही है, काम को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। सो विल बी डिसमिस नहीं होगा, विल बी डिसमिस्ड होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे एज्योर्ड पास्ट है ना, ईडी है, सो विल भी नहीं होगा, फिर वुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है ईडी, सो आपका क्या हो जाएगा, वुड। अब वुड भी डिसमिस्ड कहाँ पे लिखा है, थर्ड में, सो थर्ड आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, मेघाज हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन पुट हर कलीग्स ऑन लॉट ऑफ ट्रबल। मेघाज हैबिट, उसकी आदत कैसी, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को डिले करना। सो उसकी डिले करने की जो आदत थी, उसने उसके कुलीग्स को कहाँ डाल दिया था। अब देखिए लॉट ऑफ यहाँ पे है, 3 फरवरी को भी ये एग्जाम में पूछा गया था, मैंने बताया था कि ये तो लॉट्स ऑफ होता है या अलॉट ऑफ होता है, है ना, ये तो लॉट्स ऑफ होगा या अलॉट ऑफ होगा। सो यहाँ पे लॉट ऑफ कट गया आपका, अलॉट होना चाहिए, इनटू लॉट ट्रबल कट गया, लॉट ऑफ कट गया, अलॉट ऑफ ये मिल गया हमको, सही है हमारा। और पुट टू ट्रबल होता है ना, पुट टू ट्रबल का मतलब होता है ट्रबल में डाल देना, पुट टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल में डालते हैं उसके काम को, देर करने की आदत। आगे देखिए, इट इज़ द ट्रू फैक्ट
that the second wave of COVID-19 that has gripped India is more deadly. ये फैक्ट है कि जो सेकेंड वेव ने ग्रिप कर लिया इंडिया को बहुत ज़्यादा, वो डेडली है, बहुत ज़्यादा डेडली है ना, पहले से ज़्यादा डेडली है. सो आप देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पे है ट्रू फैक्ट, ए रियल फैक्ट, ए फैक्ट, द करेक्ट फैक्ट. एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा आंसर ट्रू फैक्ट होगा, रियल फैक्ट होगा या करेक्ट फैक्ट होगा. तो फैक्ट को फैक्ट के साथ देखिएगा. फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, मतलब सच्चाई है ना, फैक्ट दिखाना किसी भी चीज़ का, एकदम बिल्कुल उसका जो ट्रूथनेस है शो करना. सो आप सच्चाई को दो बार नहीं बोल सकते ना. ट्रू फैक्ट का क्या मतलब है, फैक्ट तो अपने आप में ट्रू होता है, फैक्ट के साथ रियल लगाने की आप ऐसा थोड़ी बोलोगे रियल फैक्ट है ये, नहीं मतलब बोल देते हैं, बोलने में गलत होता है. रियल फैक्ट क्या, फैक्ट तो अपने आप में रियल होगा. करेक्ट क्या, फैक्ट तो होता ही करेक्ट है. सो ये सारे कट गए आपके, आपका आंसर क्या बचा, ए फैक्ट. ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है. आगे देखेंगे, अगला है द टीचर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सीड ऑन द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट. सो टीचर, बहुत मुश्किल था टीचर के लिए बच्चों के रिक्वेस्ट को क्या करना, हाँ करना, सेंस तो यही निकल रहा है, अप्रूव करना. सो यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे एक्सीड और एक वर्ड देखेंगे एसीड, या आप एक्सीड बोल सकते हैं. दोनों का मतलब जो होता है अलग होता है. इसका मतलब होता है मोर देन, किसी भी चीज का ज्यादा दिखाना मात्रा में, और एसीड का मतलब होता है अप्रूव करना किसी भी चीज को. अब आप समझ गए होंगे क्या आंसर होना चाहिए. एक्सीड वाला तो आप वैसे ही काट देंगे. सो एसीड, यहाँ पे एक्सीड यानी एसीड के बाद आपका जो प्रीपोजिशन आएगा ये आएगा टू. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4. आगे देखिए, साल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन रिलेटिवली 3/4 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया. सो साल का पेड़ आप लोगों को पता ही है, साल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, उनको प्लांट किया गया है. अब यहाँ पे रिलेटिवली 3/4, अराउंड, नियरली या अबाउट. तो देखिए यहाँ पे अबाउट का मतलब होता है लगभग, नियरली का मतलब होता है लगभग, करीब करीब, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर. अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर. सो अराउंड आप काट देंगे, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना अराउंड किसी चीज़ के चारों ओर, लगभग का सेंस निकल के आ रहा है. और रिलेटिवली का मतलब भी होता है अपेक्षाकृत, लेकिन रिलेटिवली आप, रिलेटिवली का भी कोई सेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे आपका आएगा नियरली 3/4, यहाँ पे 3/4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है. ये वाला सही है, ये वाला गलत है आपका. सो नियरली 3/4, नियरली मतलब लगभग. तो रिलेटिवली का वैसे मतलब होता है अपेक्षाकृत, जैसे बताते हैं ना टुडे द वेदर इज रिलेटिवली हॉट, मतलब अपेक्षाकृत, पहले के बजाय अब जो है क्या है वो ज़्यादा है, अपेक्षाकृत. सो हमें लगभग चाहिए, सो इसीलिए हम जाएंगे नियरली के साथ. ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए. आगे देखिए, द न्यूज अबाउट द सर्ज इन COVID-19 केसेज इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग. अब यहाँ पे जो आपका इज यूज किया हुआ है और ऑप्शन में इज और आर, सबसे पहले आपको ये एलिमिनेट करना है इज आएगा या आर आएगा. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल. अब आपने लगा दिया होगा आर क्योंकि आपने देख लिया होगा केसेस, है ना. सो आपने आर लगा दिया, बिल्कुल गलत आंसर है आपका. अब क्यों, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है. ध्यान से सुनिएगा, सर्ज इन COVID-19 केसेस नहीं ब्रॉडकास्ट किया जा रहा, इसी वजह से ये सब्जेक्ट नहीं है. ब्रॉडकास्ट किया क्या जा रहा है, द न्यूज. सो ये आपका सब्जेक्ट है. और ऐसा मत सोच लीजिएगा कि प्लूरल है न्यूज देख के, मतलब एस देख के लास्ट में. जो न्यूज होता है वो सिंगुलर माना जाता है, इसी वजह से आपका आर कट गया. आर कट गया मतलब ये दो आपने काट दिया. अब या तो इज ब्रॉडकास्टेड होगा या ब्रॉडकास्ट होगा. देखिए, कास्ट का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना. कास्ट का फर्स्ट फॉर्म होता है कास्ट, सेकेंड फॉर्म होता है कास्ट, थर्ड फॉर्म होता है कास्ट.
सो उसी तरीके से ब्रॉडकास्ट मतलब किसी चीज को न्यूज वगैरह का ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, सो वो भी आपका ब्रॉडकास्ट 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 होता है। सो आपका जो फर्स्ट वाला है ये वाला राइट आंसर है, ब्रॉडकास्टेड गलत हो गया। सो नो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं लेंगे आप। सो आई थिंक ये आज की ला बिल्कुल, ये 200वां क्वेश्चन था, खत्म हो गया है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। आगे आप लोग देख सकते हैं हमने कितने सारे लेक्चर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है इंग्लिश में मैथ्स में, आप इन सभी को देख सकते हैं। और अगर और इसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सो सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पे भी जाकर हमसे कह सकते हैं। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, और कल हम करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया हमारा, तो कल क्या करेंगे, कल करेंगे हम कॉमन एरर। कल कॉमन एरर करेंगे। सो कल भी हमारा ग्रामर का ही जाएगा एक तरीके से टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में भी है जो चाहता है इस तरीके की लाइव क्लासेस तो आप उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे आपसे कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।